नमस्कार दोस्तों, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि विवेचना कितने दिन के अंदर जो भी विवेचना अधिकारी है वह पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय में भेज देता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस विषय पर पूरी जानकारी देने वाला हूं, विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, क्या है प्रावधान और क्या है प्रक्रिया। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें और वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। हफ्ते में 3 दिन आपको वीडियो देखने को मिलते हैं, शाम को 6 बजे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, और संडे को मैं लाइव आता हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या है प्रावधान आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और कैसे कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाती है। जब किसी मामले में FIR दर्ज हो जाती है तो FIR दर्ज होने के बाद उस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। धारा 173 की उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में यह प्रावधान है कि हर मामले में विवेचना शीघ्र से पूरी की जाए। लेकिन क्या यह प्रावधान फॉलो होते हैं? क्या शीघ्र से विवेचना होती है? बहुत से मामलों में तो देखा गया है कि विवेचना 20-20 साल, 25-25 साल पेंडिंग है। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, लास्ट वीक हाईकोर्ट में एक मैटर आया और जिसमें एक मामले की विवेचना पिछले 26 सालों से पेंडिंग है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में GRP थाने पर। अब बताइए, इतने लंबे समय तक अगर विवेचना पेंडिंग रहेगी तो फिर जो व्यक्ति पीड़ित है उसे न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि विधि शास्त्र का यह सिद्धांत है, विलंब न्याय को विफल कर देता है और यह पूरी तरीके से लागू होता है। अगर 26 साल तक मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई तो कैसे फिर उसमें चार्जशीट लगेगी, कैसे आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय होंगे, कैसे उसमें ट्रायल कंप्लीट होगा और कब उन्हें सजा मिलेगी? तो फ्रेंड्स, जो प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 1 में, हर विवेचना को, इन्वेस्टिगेशन को अतिशीघ्र समय से पूरा किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आगे मैं बताता हूँ कि चार्जशीट कितने दिन में फाइल होती है। जब भी किसी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाती है और उसे 167 CRPC की उपधारा 2 के एक में मान लीजिए निरुद्ध किया जाता है कारागार में, और आरोप ऐसा है कि जिसमें उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं 10 वर्ष या उससे ऊपर की सजा हो सकती है, उससे ऊपर का कारावास की सजा हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में तो चार्जशीट 90 दिन के अंदर कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। अगर 90 दिवस में चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो ऐसे आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी और उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा इसी सेक्शन के 2nd clause में ये प्रावधान है कि अगर कोई अपराध जिसमें मान लीजिए 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है तो ऐसे मामलों में अगर आरोपी जेल में है तो 60 दिवस के अंदर चार्जशीट न्यायालय को फाइल कर दी जाएगी, प्रेषित कर दी जाएगी। अगर चार्जशीट 60 दिनों के अंदर न्यायालय में प्रेषित नहीं की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में भी जो आरोपी व्यक्ति है वह डिफॉल्ट बेल का हकदार होगा कि उसे जमानत दे दी जाए। तो फ्रेंड्स, जब आरोपी जेल में होते हैं तब तो 90 और 60 दिन की प्रक्रिया लागू होती है, लेकिन अगर आरोपी जेल में नहीं होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो चार्जशीट फाइल करने की यानी विवेचना पूरी करने की जो समयावधि है वह कोई निश्चित समयावधि CRPC में नहीं दी गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया भी कि 26 साल से एक मामले की इन्वेस्टिगेशन अब तक पेंडिंग है और उस मामले में 14 सर्किल ऑफिसर अब तक के स्थानांतरण हो चुका है या उनको विवेचना हैंडओवर की जा चुकी है और आज तक विवेचना पेंडिंग है। और अब लखनऊ हाईकोर्ट ने DIG को निर्देशित किया है रेलवे के कि वह इस मामले में सेल्फ इन्वेस्टिगेट करें और जाँच करके बताएं कि हाँ क्यों इतने समय से विवेचना लंबित है, इन्वेस्टिगेशन क्यों पेंडिंग है अब तक और उसमें क्या कार्रवाई किसके अगेंस्ट की गई। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि जब आरोपी जेल में है तो 90 और 60 दिन की अवधि का प्रावधान लागू होता है और अगर आरोपी जेल में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में कोई समयावधि CRPC में निर्धारित नहीं है, लेकिन आपकी विवेचना अगर फिर भी पेंडिंग है तो आप इसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। आप जिले के SP को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप DIG को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और फिर भी नहीं होती है तो आप हाईकोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पेंडिंग है जिसे पुलिस जानबूझकर कंप्लीट नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये है प्रक्रिया, ये है प्रावधान। अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।